नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम का। जैसे कि मालूम है आप सभी को कि हम हर बुधवार को रविवार को रात को 10 बजे गपशप करते हैं किसी न किसी शख्सियत के साथ जिन्होंने थिएटर, डांस, ड्रामा, कला की किसी फील्ड में बहुत नाम किया है, बहुत काम किया है। सभी का स्वागत होता है गपशप में और बैठ के हम उनसे गपशप करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी कला को जानते हैं। तो आज हमारे बीच है अमित दीक्षित जी। आप लखनऊ से हैं और आपने मतलब मुझे जानते हुए उनको 20 साल हो गए। उन्होंने मुझे भी सिखाया है, जब मैं भारतीय नाट्य अकेडमी में था तो आप आते थे रवि नागर जी के साथ हमें म्यूजिक सिखाने के लिए। प्ले हुआ था उन्होंने सत्याल जी का, तो उस प्ले में भी आप थे, आपने हम सबको सिखाया भी। और आप तब से और उससे पहले से भी लगातार थिएटर करते रहे हैं। आप निर्देशक भी हैं, आप एक राइटर हैं, आप संगीत निर्देशक है, अभिनेता है, गायक भी हैं और नाटक भी। आपका बहुत कमांड है, बहुत काम किया। चलिए अमित जी से मिलते हैं। और मिलने से पहले अमित जी से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे कि हमारे किसी भी फोक आर्ट की और कला की परंपरा रही है कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा गणेश वंदना से करते हैं। अमित जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अमित जी को पहले बुलाता हूँ। अमित जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम गपशप में। और जैसे कि मैं भी लोगों से कह रहा था कि शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे फोक हो या नौटंकी हो तो उसकी शुरुआत हमेशा गणेश वंदना से होती है। तो आपसे गपशप करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्यों ना हम गणेश वंदना से शुरू करें, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं। भगवान ने आपको बहुत सारे हुनर दिए हैं, गाना तो उनमें से एक पार्ट है, उसके अलावा बहुत सारे चीजें हैं जो हम गपशप जब शुरू करेंगे तो वो शुरू हो जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्यों ना गणेश वंदना शुरू करें। गोविंद भाई, मैं सबको पहले तो प्रणाम करता हूँ और अभी विधिवत प्रणाम करूंगा सबको, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस आयोजन में याद करने का। मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और सभी बड़ों को वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं राम जी की वंदना से शुरू करना चाहता था, लेकिन आपने चूंकि गणेश वंदना नाम ले लिया, दो लाइन में गा लेता हूँ फिर चलिए कोई नहीं, और जो भी भूल चूक हो, क्योंकि काफी टाइम से गला बैठा हुआ है थोड़ा सा, तो मैं चाहूंगा आपकी आवाज। नहीं, आप दोनों वंदना करें, कोई दिक्कत नहीं, गपशप है हमारा ये, तो गणेश के बाद राम की वंदना भी क्यों नहीं। नहीं बिल्कुल। गोविंद भाई, आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत कट के आ रही है आपकी आवाज, बहुत स्लो, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, बहुत दब दब के आ रही है। अच्छा ठीक है, आप शुरू कीजिए, मैं चेक करता हूं। मेरी मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को सबको? आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए। अव्वल तो दिल में कीजिए पूजन गणेश जी, ला 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 स्तुति भी फिर बखानिए, धन धन गणेश जी, ला 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 ला। अव्वल तो दिल में कीजिए पूजन गणेश जी, ला 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 स्तुति भी फिर बखानिए, धन धन गणेश जी। चरणों में आपके लगे जीवन गणेश जी, इनमें हमारा स्वर्ग है, जय जय गणेश जी, ला 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 ला। जीवन ये मेरा तार दो, भर दो गणेश जी, ला 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 ला। अव्वल तो दिल में कीजिए पूजन गणेश जी, ला 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 स्तुति भी फिर बखानिए, जय जय गणेश जी। राम रामेति, एक सेकंड, वो उसका ताल चेंज थोड़ा सा, ओम,
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम बराने रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः रामम लक्ष्मण पूर्वजम् रघुवरम सीतापतिम सुंदरम काकुस्थ में करुणाणव में बढ़िया शुरुआत अमित भाई, मतलब मजा आ गया। मतलब इससे पहले ऐसी शुरुआत तो हमने नहीं की है। एसी ऑफ कर दो। गोविंद भाई आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? एक सेकेंड, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है? हेलो। हाँ आप कान में हाँ, मेरी लगाने पे आवाज आ आ रही रहे है हैं। आपको? और लोगों को पूछ लीजिए, सबको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही, क्योंकि मैंने चेक किया है, आ रही मेरे ख्याल से। चलिए चलिए, ठीक। जी अब मैंने स्पीकर ऑन जी करा। जी बोलिए। तो मतलब बहुत अच्छी शुरुआत और बहुत ही आनंददायक।
जो स्तुति थी गणेश जी की गला और पड़ा है, आपकी सबसे क्षमा नहीं, सबसे क्षमा भी मांग लूं भाई, गला पड़ा हुआ है तो बहुत बेसुरा हुआ है, मुझे पता है। नहीं, और इतनी रात को मतलब मैं करता हूं तो रात तक गले की और भी हालत दूसरी ही होती है ना। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने मतलब क्या कहूँ, आप बहुत सारे प्रतिभाओं के धनी हैं कि आप लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं, आप डांस भी कोरियोग्राफ करते हैं, गाना भी गाते हैं, आपने सीरियल्स किए, फिल्म भी किए है ना। तो बहुत सारी चीजें, बहुत आनंद आएगा आपसे गपशप करने में है ना। तो अमित जी भाई यहीं से बिल्कुल। शुरू करते हैं कि आपका किस तरह से मतलब थिएटर में आना हुआ और कैसे शुरुआत हुई है ना, कि किस तरह से आप थिएटर से जुड़े, आपके घर में कोई था। कभी कभी ये भी होता है ना कि बहुत सारे लोगों के यहाँ तो परंपरा होती है या घराना होता है ना, कि डांस का घराना होता है, म्यूजिक का घराना होता है, थिएटर का भी कहीं कहीं घराना मिल जाता है कुछ लोगों को, एक पीढ़ी दो पीढ़ी। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई और इतनी सारी चीजें कैसे एकत्रित हुई कि मुझे गाना भी साथ में गाना है, हमें एक्टिंग भी करनी है, हमें डांस भी सीखना है, तो आप बताएं। मैं कहाँ से शुरू करूं गोविंद, मुझे समझ में नहीं आता। मैं बहुत छोटा था, मतलब मुश्किल से 5-6 साल का रहा होऊंगा। रामलीलाएं मैं देखने जाया करता था। जब मैं रामलीलाओं में जाया करता था, हमारे मोहल्ले में होती थी, तो मैं देखता था राम रावण युद्ध और ये सब हो रहा है, वो मर गए, मैं रोने लगता था, अरे ये तो डेथ हो गई, ये कैसे होगा, ये क्या हुआ, मैं बहुत भौचक्का रहता था। फिर एक दिन अचानक मुझे अंदर जाने का मौका मिला किसी के द्वारा, कि अंदर क्या होता है, अंदर तो जो मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, जो रह जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, ये क्यूरियसिटी बनी हुई थी। तो मैं एक दिन अंदर पहुंचा और सबके साथ कि भैया मुझे प्लीज अंदर दिखा दो जरा सा, क्या है क्या नहीं है। तो वहां देखा कि जो जिनकी डेथ हो गई थी पात्रों की, वो भी टहल रहे हैं और सारे के सारे एंजॉय कर रहे हैं, आराम से हंस बोल रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है, फिर मैंने पूछा, अरे कहने नहीं, झूठ मूठ मरे थे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। तो बहरहाल मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागी और मैंने कहा मैं भी कुछ रोल कर सकता हूँ इसमें। तो वहां सब लोगों ने कहा, यार 6-7 साल का छोटा सा बच्चा, तुम क्या करोगे बेटा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और बड़े हो जाओ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, फिर उसको तुम ज्वाइन करना, तुमको कराऊंगा रोल। तो मैंने कहा भाई, जिद कर ली मैंने, मैंने कहा नहीं, मुझे अंकल, मुझे चाचा जी, मुझे करना है, प्लीज मैं बहुत अच्छा करूँ, मेहनत करूंगा, आप सिखाइए ना कैसे क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, 3-4 दिन बाद टाइम दिया कि एक किसान के लड़के का छोटा सा करेक्टर था। तो उन्होंने कहा ठीक, किसान के लड़के हो तुम, और तुम आना वहां पे, और बस एक सीन वीन समझाया, कुछ तुम बोलना नहीं ज्यादा, और एक उन्होंने शेर दिया। तो भाई ठीक है, मैंने याद वाद कर लिया वो शेर थोड़ा बहुत, और पहुंचा मैं, और मुझे किसान के लड़के का रोल था। मैं घर में जिद करके नई बनियाइन और नया वो सब पहन वहन के चला गया। उन्होंने कहा किसान के लड़के हो तुम, राजा महाराजा के लड़के नहीं हो। तो मैंने कहा, फिर मैं तुरंत लौट गया मैं जमीन पे, उसी समय लौटने लगा और पूरे कपड़े अपने गंदे कर लिए। मैंने कहा और गंदे करने, मैं फाड़ दूं, मैंने बनियान वनियान नई फाड़ दी, और मैं क्या बताऊं उस समय क्या क्या था। तो फिर खैर स्टेज पे मैं उतरा, हमारे मोहल्ले के एक बुक्कल नवाब जी हैं, तो थोड़ा एसी तेज कर दे, गर्मी लगे। तो बुक्कल नवाब जी ने, जब वो कैरेक्टर देख रहे थे मेरा, और मेरा एक शेर मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि कौन कहता है पापियों को सजा मिलती नहीं, नेक कामों की कहो किसको जजा मिलती नहीं, धन के अभिमान में गिनते हैं जो दुनिया को तुच्छ, भूख से मरते उन्हें सूखी गिजा मिलती नहीं, औरों का दुख देखकर खड़े हंसते हैं जो, पड़े सड़ते हैं वो, सूखी कजा मिलती नहीं। इस तरीके का उर्दू डायलॉग और 6 साल के बच्चे को बोलते हुए जब वहां लोगों ने देखा तो मुझे गोदी से उठा लिया और मार, अरे अरे बेटा तू तो बहुत अच्छा, ये वो। तो खैर मेरी वहां पे फिर नेक्स्ट टाइम से कहा कि तुम्हें ये करेक्टर करना है। फिर मुझे सीता जी का करेक्टर 1 साल मिला, फिर भरत का मिला, शत्रुघ्न का मिला, फिर फाइनली मैंने कंटिन्यू 14 ईयर्स भगवान राम का के चरित्र को जिया, और मेरी छवि भगवान राम की ही बन गई। खैर इससे भी पीछे और आते हैं, छत पे अपनी मेरे मैंने बच्चों को इकट्ठा किया एक बार। मेरी आवाज मिल रही ना साफ? अच्छा,
तो छत पे मैंने बच्चों को इकट्ठा किया मोहल्ले के, कि छोटे छोटे, कि चलो आओ हम लोग एक एक ऐसे ही नाटक लिख लिया हमने, फिल्मी तर्ज पे ऐसे कुछ ऐसे बनाया और बड़ा अच्छा बन गया। और मम्मी से मैं बोल, मम्मी मुझे पढ़ाने बैठे, तो मैंने कहा भाई मैं जरा सा, मम्मी टॉयलेट जाना है, आ रहा हूँ। और टॉयलेट वो 1.5 घंटे की होती थी, और उसके बाद जब मैं छत पे रिहर्सल रिहर्सल करके आऊँ तो फिर मारा जाऊं, कहाँ थे इतनी देर। जिस दिन उस शो को मैंने किया, मोहल्ले के लोगों के साड़ियां वड़ियां लगा के चारों तरफ पर्दा कर्टेन और पूरा इंतजाम से जब मैंने किया, तो उस दिन मम्मी पापा मेरे बहुत रोए कि मतलब ये मेरे बच्चे के अंदर प्रतिभा है, और पूरा मोहल्ला कहने लगा अरे भाई ये क्या है क्या है। तो ये शुरुआत थी मेरी इस तरीके की, धीरे 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 करके। मुझे थिएटर नहीं पता था, मुझे पहली बार मंच स्वर्गीय पूज्य पीडी वर्मा जी, प्रयागदीन वर्मा जी ने मुझे पहला मंच दिया था, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। आज वो हम लोगों के बीच में ही नहीं है, लेकिन मुझे सही पहचान देने वाले मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल जी, आज वो हमारे बीच नहीं है, ये उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ और उनको नमन करता हूँ। वो जहाँ भी हो हम सबके साथ उनका आशीर्वाद रहे, और उनको नमन करते हुए आगे मैं उनकी भी कुछ चीजें जरूर सुनाऊंगा। तो ये मेरी शुरुआत हुई थपलियाल जी से मिलाने के लिए। डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी एक हैं बाराबंकी के, उनसे मैं गया, उन्होंने बताया एक लखनऊ में थपलियाल जी, उनके पास आप जाइए थिएटर करना है। तो इस तरीके से मेरी ये सब चीजें बढ़ी, विनय श्रीवास्तव जी हैं उनके साथ शुरुआत करी। ये था मेरी शुरुआत का। और विश्वास मानिए मैंने बहुत पापड़ बेले, बहुत दिक्कतें आई। पहले मोहल्ले वाले कहते थे अरे लड़का इनका बिगड़ गया, नचैया गवैया निकल गया, पता नहीं क्या करेगा यार, वो दीक्षित जी का लड़का बहुत बेकार निकल गया, पता नहीं कहाँ नाचा कूदा करता है। फिर जब पेपरों में नाम आने लगा, टीवी में दिखने लगे और सब जगह जब होने लगा, तब उन्होंने धीरे धीरे स्वीकार किया। और वो रिश्तेदार जो हमसे बहुत अपने को दूर करते थे, अरे वो है दूर का है हमारा, आज मैं उनके सबसे करीब का हूँ। तो खैर ये दुनिया है, उन सबको प्रणाम है, उन्हीं सबके आशीर्वाद से आज जो कुछ मेरे पास है। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि मेरे जिंदगी में सबसे ज्यादा जिसका महत्व है वो है मेरी माँ का, और उनके आशीर्वाद से। उन्होंने एक अकेली वो महिला थी जो मेरे हर सुख दुख में खड़ी रही और दुनिया से लड़ती रही मेरे लिए कि ठीक है मेरा लड़का नालायक निकल गया, बेकार निकल गया, आप रहने दीजिए उसको। और मेरी माँ का बड़ा सपोर्ट है मेरे साथ, और उनको मैं हमेशा से मम्मी को अपनी आदर्श मानता हूँ। और बस, और आप बताएं पूछे। नहीं बहुत खूबसूरत है, क्योंकि बड़ा मजा आता है जब भी मैं गपशप करता हूँ लोगों के बारे में पूछता हूँ, तो हर किसी की बात से बात आती है कि वो एक्टर हो या थिएटर में कहीं से भी आए हो। रामलीला बहुत बड़ा योगदान करता है, बिल्कुल जो बिल्कुल होता है हर शहर में होता है और खूब होता है। उसने बहुत सारे एक्टर बनाए हैं, बहुत सारे एक्टर, मतलब एक तरह से रामलीला जो बिल्कुल होता बिल्कुल है हर स्टेट शहर में वो थिएटर ट्रेनिंग की जगह है, हर बच्चे बिल्कुल में एक नींव बिल्कुल डालता है उस ट्रेनिंग के लिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल हर। इवन जी हाँ बताए। इवन बताऊं, थपलियाल जी मेरे से बड़ा कंपैरिजन इस बात का करते थे कि थपलियाल जी भी रामलीलाओं से आए थे, उनमें हमारे में सिमिलैरिटीज बहुत सारी थी। वो भी गाड़ी वाड़ी नहीं चलाते थे और मैं भी नहीं चलाता हूँ और वो जो है रामलीलाओं से स्टार्ट किया था उन्होंने। वो कहते थे कि अमित मेरी प्रथा को, मेरी चीजों को आगे बढ़ाएगा और ये मैं है, ये हम है। तो वो बड़ा आशीर्वाद उनका साथ रहा। तो थिएटर मतलब रामलीलाओं ने इतने लोग दिए हैं, मैंने देखता रहा हूँ थिएटर के भी कितने बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं जिन्होंने रामलीलाओं से पदार्पण किया और वो आगे बहुत कुछ किया, और उन्हीं सब का आशीर्वाद लेके मैं भी थोड़ा बहुत करता जा रहा हूँ। और आज भी मैंने रामलीला छोड़ी नहीं है, आज भी मुझे समय रोल करने का नहीं मिलता, वो अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं जाऊं जरूर और नए बच्चों को सिखाऊं बताऊं और कोशिश करता हूँ इन्वॉल्व रहने की, हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहें। नहीं, आप ही नहीं, मतलब मैंने भी जब इलाहाबाद में शुरू किया तो मैंने भी 2-3 साल रामलीला की है। मैं भी लक्ष्मण का रोल करा करता था, तो अरे मुझे वाह, भी रामलीला ना करें तो फिर कैसे आगे थिएटर कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा क्या था कि बात, मतलब हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ता है। तो इलाहाबाद में बिल्कुल पथाचट्टी में एक रामलीला होती है, मतलब अब तो थोड़े बड़े लेवल पे, उस समय बड़े लेवल पे होती थी, तो मैंने भी किया उसमें रोल, मैं भी करता था। और हमारे बीच गोपाल जी हैं, तो मैं सर का स्वागत करता हूँ।
सर आपका नमस्कार। स्वागत है सर। हाँ नमस्कार। हाँ अमित भाई, हम तो जी जी बड़ा कैसे। अरे आज बेसब्री से तुम्हें सुनने के लिए, आज हमारा रोल डिफरेंट है। आज हम श्रोता के रूप में, दर्शक दीर्घा में, श्रोता दीर्घा में बैठे हैं तुम्हें सुनने के लिए। अरे रे 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 रे, आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रहा है। आपने पग पग पे साथ दिया हमारे, आप आदर्श हैं। और मैं और शुरू से मैं जब भी कुछ करता हूँ गोविंद, तो हमेशा गोपाल जी हमारा सपोर्ट करते हैं और हमें बकअप हमेशा करते हैं। तो इनका एक फोन आ जाना, इनका FB पे हमें कमेंट कर देना, हमें बहुत बल देता है। तो आज आपको इस तरीके से सामने देख के और हमारे लिए आप आए हैं, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। बहुत नहीं, बहुत हम आपका आशीर्वाद मिले। देखो अमित, ऐसा है कि कहते हैं ना, आदमी का काम बोलता है। आदमी काम मतलब, हमें भी खुशी होती है जब हमें पता लगा कि तुम गोविंद, तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं और एक जी गपशप जी में तुम्हारे साथ वार्ता करेंगे। और हालांकि तुम जो कुछ कह रहे हो, अभी मैं सुन रहा था, वो सब हमारे आंखों के सामने गुजरा है। हमने तुमको देखा है कैसे तुम बड़े जी हुए हो हम लोग के सामने, और तुमने बिल्कुल जो बिल्कुल उपलब्धियां हैं तुम्हारी, वो हम लोग को बहुत अच्छा फील कराती हैं। तुमसे उम्र में बड़े हैं और हमारे सामने तुमने थिएटर में कदम रखा। और जी मुझे तो याद आ रहा है अमित, तुमको भी याद होगा कि शायद वो थपलियाली जी थे जिनका हमारे मंचकृति में प्ले था, शहीदों ने लौ जगाई। जो गोविंद, बिल्कुल एक थपलियाल जी ने प्ले किया था जिसमें कि आजादी के प्रतिबंधित गीतों पर एक प्रोडक्शन था, और उसमें सिर्फ गायक अभिनेता चाहिए थे और कोई इंस्ट्रूमेंट मालूम है गोविंद, वो थालियां और जो मग होते हैं ना, और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, और कलाकारों गाना था। तो मुझे लगता है अमित, अगर मैं सही हूं, तो शायद वहां से हमारी या तुम्हारी शायद जो संस्था की बिल्कुल बिल्कुल प्ले बिल्कुल था। और अमित तो स्टार हैं, उस समय भी स्टार थे, तो इनका जो थपलियाल जी ने इनके अंदर देखा होगा कि ये एक ऐसा कलाकार है जो हमारी, जो उनकी एक लिगेसी है उसको आगे ले जाने के लिए। फिर तो अमित के हमें वो दिखाई पड़ा, फिर अमित नौटंकी में आ गए। मतलब इस लड़के की तारीफ ये करनी पड़ेगी कि इसको, इसने एक जो अपना मंच पकड़ रखा था, इसने कहा मुझे इसी में करना है, और इसने सारी जो संगीत की विधाएं हैं, अच्छा एक इनके बारे में, और जब अभिनेता बड़े अच्छे हैं ये, तो जब मैं 2 मिनट और लूंगा, नहीं, ये बिल्कुल मुझे आप कभी कभी बड़ी हैरानी में डालते थे मुझे। ये बड़े ऊर्जा वाले एक्टर हैं, गाना गाते हैं। तो थपलियाल जी के प्ले वगैरह में, कोई भी प्ले किसी का, ज्यादातर उन्हीं के प्ले में साथ करने का मौका मिला, तो इनको हमने, इनको एक एरिया दे दिया या एक स्पॉट दे दिया, और डायरेक्टर के हिसाब से भी इनको करना है। लेकिन हमारे अमित दीक्षित जो हैं, इतना जोश में आते थे, तो इनको इनको संभालना पड़ता था। तो इनको अच्छा, लेकिन ये भी जी हमारा साथ देता था। जब इसने देख लिया कि मैं भी भागता हूं और लाइट तो भाई सीमित है, तो मुझे तारीफ ये करनी पड़ती है कि एक बार जब समझ लिया इसने मुझे कि लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हमेशा फिर आता था मेरे पास कि गोपाल जी अंकल मुझे बोलता है, ये अक्सर अंकल बोलता है, तो कहेंगे मुझे ये बताइए मेरा एरिया कितना है, मुझे स्पॉट कितना है। तो ये जो एक अभिनेता के अंदर चीजों की जो समझ आती है, उससे मुझे लगता है कि ये कलाकार सही जा रहा है। तो हम भी इनसे सतर्क रहते थे और ये भी सतर्क रहते थे। तो जो बिल्कुल एक लाइट, तुम तो लाइट डिजाइनर हो गोविंद, समझ सकते हो जब एक्टर भागता है तो कैसे लाइट वाला पकड़ता है, उसकी सीमा होती है। तो उसमें जो है, हमारे अमित ने बहुत साथ दिया, और फिर इसने नियम बना लिया, क्या अंकल मुझे बताइए मेरा एरिया कहाँ तक है, अंकल मुझे बताइए मेरा स्पॉट कहाँ तक है। तो ये जो इनकी खासियत है, वो एक कलाकार में जो होनी चाहिए, वो अमित में है। और शायद यही कारण है कि आज गोविंद अमित दीक्षित को गपशप में हम लोग के सामने रूबरू करके उनसे बातचीत कर रहे हैं। भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें, अमित तुम्हारे लिए। नहीं, आपका आशीर्वाद, और इसी तरीके से आप आशीर्वाद बना के रखिए। मैं रियली भूल नहीं सकता आपका मेरे प्रति प्यार। और मुझे याद है, कई जब भी मौका मिलता आप मेरे लिए कुछ ना कुछ लिख देते हैं। गोविंद, अभी एक किताब थी कोई पराड़कर जी की, किसी कुछ किसी हाँ इसमें आपने हाँ लिखा था ना, हाँ हाँ उसमें हाँ भी आलोक परार कर के। हाँ उन्होंने उसमें भी मेरे लिए लिखा। और उसके अलावा भी जहां मौका मिलता है मेरे लिए कुछ ना कुछ जो है जरूर, नहीं क्योंकि तुमने, वही मैं क्योंकि लोग सुन रहे हैं, मैं मतलब इनकी बता दूं, नादरंग एक मैगजीन है, आलोक परार कर बहुत लखनऊ के काफी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं,
वो निकालते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा गोपाल जी कुछ लखनऊ रंगमंच के बारे में लिखिए। तो मैंने कहा कि तो लखनऊ रंगमंच पर जो लोगों ने जो लखनऊ में प्रयोग हुए हैं जो उनके बारे में, तो मैंने अमित को इसलिए उसमें इंक्लूड किया कि अमित अपनी जो थपलियाल जी का जो एक लिगेसी थी, कैसे वो नौटंकी को मंच पर लाए, तो मैंने देखा अमित ने बिल्कुल उसी तरीके से एक उनसे दीक्षा ली। और इसने बहुत अच्छा एक जो सामंजस्य होता है संगीत का, नौटंकी कह लीजिए या जो हमारे लोकगीत कह रहते हैं, तो वो तो थे थपलियाल जी पुरानी जनरेशन के। हमारी नए जनरेशन में खाली एक किस्म है, अमित दीक्षित है, जो कि रंगमंच पर प्रयोग करके नाट्य प्रस्तुतियों को एक नया कलेवर दे रहा है। तो इसलिए मैंने उस नादरंग में जो मेरा सब्जेक्ट था कि लखनऊ रंगमंच कैसे प्रयोगों के साथ आगे बढ़ रहा है, तो हमारी नई जनरेशन में अमित दीक्षित हमारे बीच ऐसे कलाकार है जो कि म्यूजिक को मंच पर एक फ्यूजन के साथ, इन्होंने इतने प्रोडक्शन किए, तो वो मैं चाहता था कि इसका उल्लेख होना चाहिए, तो मैंने इसका जिक्र किया उस पे अपने आलेख में कि ये बहुत मतलब उसको एक्सपेरिमेंट कह लें, खुद लिखता है, खुद म्यूजिक को कंपोज करता है, और कैसे वो नाट्य प्रस्तुति रोचक रहे म्यूजिक के साथ, जो थपलियाल जी में हम लोग देखते थे, वो आज अब दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे बीच में अमित दीक्षित है जो कि उन परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है आपका सर। आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद है। जी मतलब हमें भी मौका मिला सर रवि नागर सर के पास, और अमित जी भी आते थे उस समय पीएनएम सिखाने के लिए, और उमेश जी ने हमारे साथ एक प्रोडक्शन किया था महातेंदुआ हरिचंद की कहानी, जिसमें बहुत सारे गाने थे, जब हम सुने थे तो कहते थे अरे ये तो पूरा चित्रकार जैसा है, कि मतलब 5 मिनट का भी गैप नहीं होता था गाने आते थे, 5 मिनट का गैप नहीं होता गाने आते थे, तो खूब सारे गाने थे, तो बड़ा मजा आया था सर के साथ मतलब काम करके। और शायद सर उसी की बदौलत है कि जब मैं एनएसडी गया, मैं उससे पहले गाना नहीं गा पाता था, एनएसडी गया जब नौटंकी अच्छा की तो उसमें मैं सूत्रधार बना और नौटंकी में लीड करता था मैं गाने में, अच्छा जबकि अच्छा इलाहाबाद में मुझे गाने में ये होता था कि 1 रुपया दे दिया जाता था, कहा जाता था कि जाओ चाय पी के आओ, तुम यहाँ मत रहो नहीं तो लोगों को बेसुरा कर दोगे। तो गोविंद, इस समय तो मुझको ईर्ष्या हो रही है अमित से और तुमसे, मुझे भगवान ने सुर नहीं दिया, मैं नहीं, सर सुर सबके पास है, बस खोजना पड़ता है, कहीं भटका होता है, सुर तो सबके मे पास भी है। जी सर, चलो अब आज के लिए इनसे अमित से आगे की बातचीत रखो। थैंक यू सर, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा लगता है, पुना भाई गोविंद, थैंक आपका भी बहुत बढ़िया चल रहा है, और तुम्हें भी बहुत शुभकामनाएं गोविंद, और अमित को भी मेरी थैंक यू, शुभकामनाएं। नहीं, थैंक यू थैंक सर, यू, आपका आशीर्वाद बना रहे सही। थैंक यू सर। जी अमित भाई, तो आगे बढ़ते जी हैं, मतलब अब मैं क्या कहूँ, मतलब लखनऊ के लोग आपको इतना प्यार करते हैं, इतने तहे दिल से आपको प्यार करते हैं, तो ये तो बात रही कि आपने बचपन में कैसे शुरुआत की, फिर मतलब बहुत सारी चीजें कि आप डायरेक्शन से कैसे जुड़े उसके बारे में, कि कब डायरेक्ट करने लगे प्ले, और डांस कैसे सीखा, वो तो एक पड़ाव तो था कि आपने रामलीला से शुरुआत की, तो डांस और डायरेक्शन और एक्टिंग कैसे जुड़ा धीरे धीरे, है ना, और म्यूजिक तो आपके साथ शुरू से चल रहा था। ऐसा था कि मैं शुरू से ही इस मामले में बड़ा लकी रहा कि जो भी बुलाता था वो इस सोच के बुलाता था कि अगर एक्टर सिंगर चाहिए या सिंगर एक्टर चाहिए तो अमित दीक्षित को बुलाओ। जैसा कि गोपाल जी ने अभी कहा, इस तरीके से मुझे सभी जगह लोगों ने इसीलिए बुलाया मेनली कि ये एक ऐसा एक्टर है जो सिंगर भी है और डांस भी करता है। तो एक अमित को बुलाने से ये दो तीन चीजें हल हो रही थी तो याद करता था। तो मैं इस तरीके से सिंगर एक्टर और डांसर के रूप में रहा। मैंने मैंने एक्चुअल में गोविंद मैंने शुरुआत ही डांस कॉम्पिटिशन से की थी। मैंने इंडिया लेवल पे टॉप डांसर्स में मैं कॉम्पिटिशन में रहा और मैंने बीट किया था, कई कॉम्पिटिशन्स बीट किए मैंने डांसिंग में। उसके अलावा सिंगिंग में भी
मैंने कोई प्रशिक्षण एक तो मेरा नहीं है, ये बात थपलियाल जी कहते थे और अभी थपलियाल जी का एक इंटरव्यू भी उसमें उन्होंने बोला था कि अमित एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा जो भी, मैं अपने शब्द मैं उन उसमें नहीं कहना चाहता, मुझे मेरी मुंह से अपनी तारीफ लगेगी कहनी, तो उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में मेरे बारे में बयां किया था कि एक एक्टर सिंगर। तो मैंने तुम्हें बताऊं भैया कि मैंने कोई प्रशिक्षण किसी तरीके का कुछ भी नहीं लिया, मैं करता रहा बस। और इसी तरह लिखने की बात है तो मुझे याद पड़ रहा है मैंने सब कुछ एक साथ ही किया है शुरू से। मैंने कुछ भी करता था तो मैं लिखता भी था और उसको मैं म्यूजिक बनाता था उसकी, उसको भी गाता था, फिर उस पर डांस भी करता था। और अब वही चीज इसमें आ गई जो मैं करता था, अब वो कराने भी लग गया हूँ। तो इस तरीके से गीत पूरा मैंने इस समय, मुझे याद है 2017 से मैंने सत्य समर्पण नाम से अपनी एक संस्था जो थी हमारी, उसको कल्चरल उसमें पूरा हमने मोल्ड कर दिया है। तो कल्चरल कई सारी चीजें उसमें हम करते हैं कि, तो उसमें लगभग हमने अब तक 32 से 33 प्रस्तुतियां की हैं और प्रभु का आशीर्वाद है कि वो सारी मेरी लिखी और मेरे ही म्यूजिक तैयार की हुई है। और मैं इसमें कोई बड़प्पन नहीं मानता, मतलब ऐसा नहीं, अब मैं और लोगों की भी करूंगा, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है जाना है तो उनसे भी उनको भी करूंगा, लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि वो प्रस्तुतियां होती चली गई, उनके शोज होते गए और मुझे मौका नहीं मिला कि मैं किसी और का कुछ लूं, क्योंकि पता है ना आजकल बड़ी जल्दी जल्दी मौके आते हैं, कुछ आया कि ये करना है तुरंत, अब ताज महोत्सव में करना है, ताज महोत्सव का 2 साल से इनॉग्रेशन प्रभु के आशीर्वाद से मेरे द्वारा किया जा रहा है, कुंभ महोत्सव, मगहर महोत्सव, दीपोत्सव, कंटिन्यूटी में ये सारे ऐसे ऐसे फट 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 होते गए, तो मौका नहीं मिला किसी और को ऐसे याद करूं। तो टीम है हमारे पास अपने लोगों की जो बहुत डेडिकेटेड बच्चे हैं हमारे पास और हमारे हाथ पांव हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साथ में। तो मैं जो ये कह रहा था कि मेरा कोई प्रशिक्षण नहीं है, और भैया मैं कब लिखने लगा, कब उसको मैं म्यूजिक करने लगा, कब, ये मैं रामलीलाओं के टाइम पे करता था। अच्छा तुम्हें एक और बात बताऊं, रामलीलाओं में फेमस है कि वो प्रॉम्प्ट करते थे साइड से कि हाँ भाई ये बोलना है, ये लाइन ये बोलनी है, ये लाइन ये बोलनी है, तो बोल देता था, लेकिन 1 साल ही चला होगा ये, दूसरे साल से हमने अपना लिखना शुरू कर दिया हमने, और एक टाइम ये आया 2-4 साल बाद कि जितना बड़ा रामीला का रजिस्टर होता था उसका दोगुना मेरा खुद का रजिस्टर होता था जो मेरा ही रचित होता था। तो ये लिखने का शौक तभी से था, मुझे लगता था ना कि वही पैटर्न चलता चला आ रहा है, वही एक चला आ रहा है कि बार बड़े, ये रामीला का है, खड़ शीश धरे रजबंक महा अति कंपित ओन है, चाटु रही रसना सोवारनी मीन लखे अति क्रोध को भौन है, ग्रीष्म तापस स्वास कढ़े ललिते तही को कियो चाहे गौन है, मीर दरा दरा ला 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 ला। इस तरीके से चीजें थी और ये इसमें मेरा भी अपना प्रयोग है, इसी में थोड़ा थोड़ा प्रयोग करता गया। फिर जैसे नौटंकी का जिक्र अभी हम लोग आगे करेंगे, लेकिन 2 लाइनें नौटंकी के लिए बोल दूं जो मैंने प्रयोग किया है कि माटी की खुशबू है लोक संगीत में, माटी की खुशबू है लोक संगीत में, है जड़ों में गड़ी शास्त्रीयता बड़ी, माटी की खुशबू है लोक संगीत में, है जड़ों में गड़ी शास्त्रीयता बड़ी, और देखिए सुनिए तो ये नया है चलन तबले नक, माटी की खुशबू है लोक संगीत में, है जड़ों में गड़ी शास्त्रीयता बड़ी। वो लाइंस मिस कर रहा हूं, वो क्या है,
देखिए सुनिए तो ये नया है चलन, तबले नक्कारे का है अनोखा मिलन। ये बीच की लाइन्स गड़बड़ हो गई है, लेकिन ये मेरी सोच थी कि मैं तबले और नक्कारे का मिलन करा रहा हूँ, और मैं नौटंकी और क्लासिकल फोक को, ये जो भाई बहन है इनको मैं मिलन करा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ ये दोनों मिलके एक अच्छा कार्य किया जाए, और इसी में इसी तरीके से नए नए प्रयोग होंगे। अरे रिच रिचांग, गोविंद जी आप म्यूट पे हैं शायद। रिचांग तिवारी जी हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिचांग जी से बहुत क्यों बहुत बात करें, धन्यवाद गोविंद जी। मैं पहली बात तो मैं बहुत थैंक यू बोलूंगा और आपको शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस शो में ऐसा बनने के लिए। और जहाँ अमित सर हो और वहाँ पर मजमा ना लगे तो बात अलग है। मैं अच्छी तरह से सुन रहा था सर का गाना और सर ने जो अभी महाभारत की जो इनपुट्स दिए है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अमित सर से मेरे मुलाकात 5 से 6 बार हुआ है, 6 बार हुआ है और जितनी बार भी हुआ है इनके साथ जुड़ चुका हूँ, मन से जुड़ चुका हूँ, तन मन धन सबसे जुड़ चुका हूँ। और सर के लिए सर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें मैं साथ में खड़ा हूँ सर के। और सर ने बहुत मोटिवेट करते हैं, हमारे ऑफिस आते हैं तो मतलब मजा आ जाता है इनके साथ बैठ के। अभी जिस मैं तो इनको पहली बार ऐसे टी शर्ट और इसमें देख रहा हूँ, वरना सर का तो मतलब जो एक रहन सहन वो है बिल्कुल एक शाही, मतलब मैं वही थोड़ा सा देख के इम्प्रेस हुआ है। ये तो अभी शाही और अरे अभी तो जवान है ये अभी तो जवान नहीं है तो अभी तो बहुत कुछ सर के साथ सीखना है, करना है और आगे बढ़ना है। बस अमित सर ऐसे आशीर्वाद बनाए रहे हमारे ऊपर और आगे काम करते रहेंगे। चाहूंगा थोड़ा बताएं अमित जी का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि अमित जी के मुंह से देखिए तो अमित आपने जी बात का सुनी है, लेकिन प्रोसेस, मैं चाहूंगा क्योंकि आपने मुझसे सीखा है, तो आप ने क्या सीखा, कैसे सीखा, क्या खूबियां होती हैं बिल्कुल उसमें? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा अमित जी का जो प्रोसेस रहता है या अमित जी जो जो चीज करना चाहते हैं वो सोच लेते हैं कि ये करना है, उसके लिए वो एडी चोटी कर देते हैं। तो मतलब हमेशा ये याद रखना है कि अगर आपने अपने मन में कोई विचार दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये काम मुझे करना है तो उसके लिए वो करना ही है, उसके लिए इफ एंड बट नहीं है कुछ। ठीक है समय साथ नहीं देता है, अभी जैसे समय साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ डेफिनेटली करेंगे। और अमित सर हैं हमारे, मैं जिनके थ्रू इनसे मिला था, हमारे रितेश भाई जो हैं वो सब टीम है अपनी रेडी है और बस सर का आशीर्वाद रहेगा, हम एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हैं सारी चीजें। और इनसे हम और भी अभी अभी काफी डिटेल वाली बातें होती हैं और मोटिवेट ही करते एक तरीके से। इवन मैं अपने ऑफिस में था, मेरे मामा श्री से भी मिले थे तो उनको भी उनसे मिलने के बाद भी मामा का भी मतलब इनसे मिलने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि ही इज नॉट एन ही इज एक्चुअली अ मोटिवेशनल पर्सन। और इनका जो काम रहा है सब चीज में वो बढ़िया ही था, चाहे नौटंकी हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, गाना गाते हुए तो पहली बार देखा है मैंने बिल्कुल ये एक्चुअल में गोविंद आईटी का बंदा है हमारा ये छोटा भाई, और बहुत प्यारा इंसान है रिचांग। और ये एक्चुअल में आईटी के द्वारा मिला हमसे, लेकिन ये हमारी चीजों में इन्वॉल्व अब धीरे धीरे करके इतना हो गया कि देखो मैंने नहीं बुलाया था लेकिन आया बहुत प्यारा लगा है, बहुत प्यारा। जी रिचांग भाई अच्छी बात है आप आए, और होना भी चाहिए, आना भी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आपने क्या बिल्कुल सीखा कैसे सीखा तो और इंटरेस्टिंग बन जाता है गपशप। और आपने बिल्कुल तो ये बिल्कुल बताया है जनता ना कि आपने कैसे सीखा, क्या सीखा, है ना, उसका अलग ही इम्पैक्ट है। बिल्कुल और आपने बात की ना मोटिवेशन, मोटिवेशनल का काम ही तो करता है एक लीडर, और करता है क्या, मोटिवेट कर दे बिल्कुल तो आगे चीजें बढ़ जाएंगी। मोटिवेट कर तो देता है, बहुत बाकी चीजें होती इम्पोर्टेंट रहती हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, शुक्रिया हमारे शुक्रिया गपशप में गोविंद जी, मजा आया, बिल्कुल है ना। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो धन्यवाद, मच। फिर मिलते हैं। अमित भाई आपके कितने सारे लोग हैं चाहने वाले, और आप क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, वो उनके मुंह से सुनना और भी प्रभावशाली है ना, और बहुत बढ़िया है। तो हम चाहेंगे कि अब थोड़ा नौटंकी पे जो आप कह रहे थे, तो उस बात जरूर करें कि नौटंकी से जुड़ाव कैसे हुआ, नौटंकी में किस तरह से जुड़े, कितने साल से आप लगातार नौटंकी कर रहे हैं, तो क्या
वो रामलीला तक ही सीमित है या उसके अलावा भी बहुत सारे आपने प्रोडक्शन किए नौटंकी को लेके? गोविंद, अभी मैं ये 2 लाइन पहले उस पर कुछ कहना चाहता हूँ, कोरोना पे। एक्चुअल में अभी तुमने जब बोला, मैं मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने गाड़ी में बैठ के जो थोड़ा सा जल्दी जल्दी से लिखा था, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा वो पहले मैं बता दूं क्या? क्योंकि अभी रिचांग ने जो प्रॉब्लम कही कि अभी नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम है मींस वही कोरोना की प्रॉब्लम को वो कह रहा था, बिल्कुल जो हम बिल्कुल लोग अभी आगे इसको बताएंगे, रथ यात्रा के रिगार्डिंग जो हम प्रोजेक्ट है हमारा। तो 2 लाइन कोरोना पे मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। बिल्कुल वैश्विक महामारी कोरोना भले ही आपको कितना भी डराए, ये तो हम सबको पुनः नेक राह पर चलने की शिक्षा देने आई है ना? भटक रही हमारी संस्कृति, खान पान, आचरण व व्यवहार, हनन हो रहे मानव मूल्यों को आगाह करने आया है। हम सब हर मुसीबत में एकजुट होकर किसी भी विषम परिस्थितियों का डटकर सामना करेंगे। तो 2 लाइनें कि कला संस्कृति तो अमर अविनाशी है, कला संस्कृति तो अमर अविनाशी है, यही हमारे लिए मक्का, मदीना और काशी है। वीणा के हर तार में श्वास है, हर स्वर में माँ सरस्वती का वास है। कला साधक जब झूम कर गाते गुनगुनाते हैं, तो दुनिया के सारे गम खुद ब खुद भाग जाते हैं। अरे कितने आए कितने चले गए, कितने आए कितने चले गए, कोरोना बाबू माना आप थोड़ा सा ज्यादा ठहर गए, पर अब आप मेहमान हैं कुछ ही घड़ियों के, हम आपको और नहीं पालने वाले, चिंता हमें है आपकी, हम सब तो हिम्मत नहीं हारने वाले, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, खुशियां आए या गम, आंख ना होगी नम, जीत जाएंगे हम, लाख इम्तिहान ले ले कोई पर ये भूले नहीं, हम हैं भारत की संतान, मद में झूले नहीं। कोरोने, अरे कोरोने तू जहां से आया है ना, उन्हीं को अर्पण कर देंगे हम, दिखा देंगे हिंदुस्तान की ताकत, बता देंगे भारत का दम, नहीं हस्ती किसी से कम, जीत जाएंगे हम। और 2 लाइनें गा के नौटंकी शैली में ही, कोरोना तुझको रोना पड़ेगा यहाँ, कोरोना तुझको रोना पड़ेगा यहाँ, ये है भारत की धरती, करूं मैं बयां, कोरोना तुझको रोना पड़ेगा यहाँ, ये है भारत की धरती, करूं मैं बयां, कोरोना तुझको रोना, कोरोना तुझको रोना पड़ेगा यहाँ, ये है भारत की धरती, करूं मैं बयां, जुल्म तू जितने कर ले पर सोच ले अभी, जुल्म तू जितने कर ले पर सोच ले अभी, तेरी हस्ती मिटाने खड़ा पूरा हिंदुस्तान, कोरोना तुझको रोना पड़ेगा यहाँ, ये है भारत की धरती, करूं मैं बयां, कोरोना तुझको रोना। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत है मिर्जा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बनाया आपने, है ना? बस तो जल्दी अब वो जल्दी में बात, था और हाँ नहीं नहीं कंटिन्यू। बहुत खूबसूरत है, तो वो बात कि कैसे नौटंकी से जुड़े, किस तरह ढूंढना हुआ, देखो आपने ये गाना गा के तो बता ही दिया कि सिर्फ रामायण या रामायण से संबंधित चीजें नौटंकी पे नहीं करते, उसके अलावा भी आप बनाते हैं गाना और नौटंकी पे बहुत सारी चीजें की हैं आपने, मैं चाहूंगा उसके बारे में थोड़ा शेयर करें। मैं बताऊं, नौटंकी तो देखिए रामीलाओं
में थोड़ा थोड़ा सुनता आ ही रहा था। उसके बाद आज वो हमारे बीच नहीं है, आनंद मिश्रा जी, उनके साथ मैंने वो मैं राम करता था, वो रावण करते थे, और वो नौटंकी के बहुत प्रख्यात सिंगर और एक्टर भी थे वो, आनंद मिश्रा जी। एक लखनलाल झनकार जी हमारी रामलीला में हुआ करते थे। तो इन दोनों से मैंने सीख करते करते लोगों के साथ भी काफी कुछ पाया सीखा। फिर मुझे सौभाग्य से थपलियाल जी मिले, और थपलियाल जी के सानिध्य में भी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। वो तो खैर हमारे गुरु थे, क्योंकि हमारे अंदर की चीजें, आपके अंदर क्या है आपको नहीं पता है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको कैसे निकाल के लाना है, ये सारा और पूरा श्रेय मैं पूज्य स्वर्गीय अपने थपलियाल जी को देना चाहूंगा। उन्होंने ही अमित को अमित बनाया है, ये मैं आज खुले मन से इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। अमित को अमित बनाने वाले वो हैं, क्योंकि वो कहते थे अक्सर कि बेटा मैंने तुमको दिया क्या है, तुमसे लिया है। तो मैं कहता था सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कहने के नहीं तुम्हारे अंदर सब गुण मौजूद थे, बस मैंने उनको सही वे दिया है। तो लेकिन वो जो सही वे देना ही तो सब कुछ होता है, वरना वो भटकते रहिए, बहुत बड़े मैं सिंगर हूँ, बहुत बड़ा एक्टर हूँ, करते रहिए आप, लेकिन वो सही मंच, सही चीज, सही बात बताने का जो उनका तरीका था, आज जो सिस्टम मैंने सीखा है ना, वो उनसे बहुत कुछ पाया है मैंने। आज उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ और उनको नमन कर रहा हूँ, और भरे दिल से इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि उनसे हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा उनसे हमने, लेकिन उनसे सीखा है, लेकिन इतना डेडिकेशन भी किसी के पास आज मैंने देखा नहीं होता है। और नई पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूँ कि भैया शॉर्टकट मत अपनाओ, क्योंकि शॉर्टकट, जितना शॉर्टकट आप जाएंगे उतना ही शॉर्टकट नीचे भी आ जाएंगे। तो हर सीढ़ी का आपको इल्म होना चाहिए। इसी पे एक शेर याद आया है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, और जिन्हें आसमां तक जाना है उन्हें रास्ता खुद बनाना है ना। तो सीढ़ियां माध्यम तरक्की के नहीं हो सकती हैं, छत तक तो आप चले जाएंगे, लेकिन अगर आसमान की बुलंदी आपको पाना है, उतनी ऊंचाई आपको गेन करनी है, तो शॉर्टकट मत अपनाइए कि रास्ते के कुछ दियों के सहारे चले तो पछताओगे, रास्ते के कुछ दियों के सहारे चले तो पछताओगे, खुद हुए रोशन अगर तो रोशनी दे पाओगे। तो ये सब चीजें आज की पीढ़ी में कमी है। मैं कहूंगा कि आप लोग पेशेंस रखें, सीखें। बहुत पेशेंस रखकर ही मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत पाया, अभी तो मैंने पाया क्या, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है। और जब तक आपके मन में ये भावना रहेगी बहुत कुछ पाना है, तब तक आप बढ़ेंगे। जिस दिन आपने सोचा अरे मैं तो पूर्ण हो गया, खत्म, उस दिन हर अपनी लाइफ में कॉमा लगाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। फुल स्टॉप लग गया तो मतलब फुल स्टॉप तो तभी लगेगा जब जब समय, अंत समय की बेला होती है। तो इसलिए कॉमा लगाते चलिए जिंदगी में और आगे बढ़ते चलिए। और एक बात और जो मतलब आपसे बात करने के दौरान मुझे समझ में आती है कि सीखने का और ट्रेनिंग का एक तरीका ये भी है कि आप करते चलिए, तो बस ट्रेनिंग भी अपने आप हो जाती है, क्या आप बात है, करते यही यही चलते हैं। एग्जैक्ट गोविंद, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जिस समय आपको सीखने का टाइम होता है उस समय आप, माफ कीजिएगा मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, जिस समय सीखने का टाइम होता आप उस समय और सारी चीजें कर रहे होते हैं, आप नशे में उलझे होते हैं, वो नशा 50 तरीके के होते हैं सब जानते हैं। तो उन नशों में उलझने की बजाय अगर आपने काम को अपना नशा बना लिया तो निश्चित जानिए कि इसका मजा अलग है जो आज तक दे रहा है। तो इस नशे में डूबिए, उस नशे को ना अपनाइए, क्योंकि ज्यादा दिन का खेल नहीं होता है। अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो अपने को होम कर दीजिए, फना कर दीजिए, अपने को बिल्कुल हवन कुंड में आप होम कर दीजिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, वरना एक बात और है कि मतलब नशे के भी बहुत तरीके हैं। आप हाँ नशा कलंक कर लीजिए, नशा जैसे आपने बोला कि आप बहुत लोगों को नशा था, घर परिवार फैमिली होता है, तो नशे के भी बहुत तरीके हैं कि आप किस तरह का लत लगाते हैं। कि वो बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल नशा कि आपका आर्ट का आपको नशा हो, कि सुबह शाम रियाज नहीं करेंगे तो आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, वो एग्जैक्ट रियाज मेरा नहीं। तो हाँ, मैं रियाज नहीं करता लेकिन इसी में डूबा रहता हूँ मैं दिन भर। विश्वास मानो भाई, मैं कभी कभी सुबह हो जाती, मम्मी कहती हैं उठो भाई मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो मैं कहता हूँ मम्मी मैं सो तो लूँ तब तो उठूंगा,
कभी कभी तो ये होता है मैं रात ही पूरी रात लिखना पढ़ना ये तैयारी वो तैयारी। और मुझे एक चीज के लिए सब लोग कहते हैं कि एनर्जी मेरा लेवल एनर्जी लेवल कभी कम नहीं होता। मेरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं इवन कि आप सर नहीं थकते हम लोग थक जाते हैं। और तो कहने का वो सारा थकान आपके जज्बे की होती है। अगर आपके अंदर जज्बा जुनून है कि हुजूम है गम मेरी फितरत नहीं बदल सकते मैं क्या करूं मेरी आदत है मुस्कुराने की। तो जब आपके अंदर इतना जज्बा होता है इतना आपके अंदर जुनून होता है ना तो फिर आपको थकान अकान ये सब बहुत छोटी बातें होती हैं। तो बस उसी जज्बे के कारण भाई मैं मेहनत करता जा रहा हूँ। अभी तो शुरुआत है अभी तो बहुत कुछ करना सीखना है आप सब लोगों के साथ रहकर करता जा रहा हूँ। वो नशा वो जुनून जो है ना कभी थकने नहीं देता, आपको और एनर्जी देता है। और बॉडी क्या बड़ी कमाल बिल्कुल की बिल्कुल होती है कि आप जुनून से लगे रहिए तो आप सुबह शाम रात पता नहीं चलेगा और लगे रहेंगे। और शायद उसी वजह से आपको जो यूपी संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड मिला या बहुत सारे अवार्ड आपको मिले हैं, शायद वो जुनून ही यार है वो पागलपन ही है जिसकी वजह से आपको मिला है ना। तो ये पागलपन सब में होना बहुत जरूरी है। अगर सम्मान और पुरस्कार मिलता है वो पागलपन वजह से मिलता है, वो पागलपन को और बढ़ाता है कि बिल्कुल पागलपन कम नहीं होना है उसको और आगे ले जाना है ना। बिल्कुल तो वो पागलपन आपका कमाल है और बहुत अद्भुत है जिसकी वजह से मतलब आप गाना भी गाते हैं डांस भी करते हैं क्योंकि होता ना कि सब कुछ करना है। तो आपने सीरियल्स भी किए फिल्म भी की, तो मैं चाहूंगा कि आपका सीरियल में कैसे जाना हुआ फिल्म में कैसे प्रवेश किया आपने है ना, और उसके एक्सपीरियंस कैसे रहे आपके। मैं बताऊं कि मैं पता नहीं क्या है, ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं करता करने का, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन भागने का नहीं करता। कोई बताता है वहां पे शूट चल रहा है, वहां पे वो हो रहा है, ऑडिशन हो रहा है, वहां पे चले जाइए। विश्वास मानो मुझे पता चल जाए यहाँ ऑडिशन हो रहा है तो उस रास्ते से नहीं निकलता मैं रास्ता बदल दूंगा, वो लंबा रास्ता निकल जाऊंगा, मैं ऑडिशन की तरफ से नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत मतलब ये नहीं कह रहा कि मुझे चिढ़ है, लेकिन हाँ मैं देखता हूँ ना पागलों की तरह लाइन में लगे फिल्मों के लिए। अरे भाई, और वो क्या कहते हैं वहां फिल्म वाले, आपने कुछ थिएटर किया है? अब आपके पास क्या जवाब है? वो भाग के आएंगे, सर मुझे थिएटर करना है। क्यों करना है? सर वो फिल्म मिली है ना हमको, सर वो फिल्म में कहा उन्होंने थिएटर करके आई इसलिए कर रहा हूं। मतलब थिएटर को लोग नर्सरी समझते हैं सर, थिएटर नर्सरी से लेकर प्राइमरी से लेकर और सब कुछ है थिएटर। आज सब कुछ होने के बाद हमारे पूज्य अमिताभ बच्चन जी या जितने बड़े एक्टर्स हैं, परेश रावल जी, नसीर साहब हैं हमारे सारे, ये सारे थिएटर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मतलब वहीं से पाया और वो उनको पता है एंड भी यही है जो। तो इसको आप जो लोग थिएटर को नर्सरी समझते हैं ना कि तो ओपनिंग सीखने के लिए चीज है, सीखो और फिर फिल्में ही सब कुछ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब आप लाइव मंच करते हैं, जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि देखिए ना कि जो रंगमंच है, थिएटर है और फिल्में, इन सब का फर्क क्या है कि भाई बड़े पर्दे पे आप अपनी लंबे चौड़े अपनी औकात से ज्यादा बड़े दिखते हैं, आप अपनी औकात से बड़े दिखते हैं। टीवी में आप अपनी औकात से कम दिखते हैं, लेकिन थिएटर में आप रियल औकात में दिखते हैं अपनी, है ना? ये फर्क है। वो बड़े वो छोटे और वो उसमें ओरिजिनल आप होते हैं। तो रंगमंच हमें ये सिखाता है तुरंत ताली या तुरंत, इसलिए रंगमंच हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। मैंने फिल्मों के लिए ऐसे, अच्छा आपने जो क्वेश्चन किया तो वो रह गया कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ कि मेरे एक छोटा भाई है राजू बिष्ट, मुंबई में है, तो हमसे काफी उसने सीखा यहाँ पे। कहने लगा सर आप प्लीज चले जाइए, दादा आप हमें पता आप जाएंगे नहीं, लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप चले जाइए, एक बार ऑडिशन दे आइए, आप कुछ ना करिएगा, दो बस वो खाली देखना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा देखो तुम्हें पता मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो कहने लगे ठीक है, उन्होंने किसी को बोला तो वो संगीत नाटक अकेडमी में रिहर्सल मेरी चल रही थी, तो वो बंदा वहां आ गया। उसने कहा अच्छा सर आप जरा सा बाहर आएंगे? तो मैं बाहर ऐसे संगीत नाटक एकेडमी का जो बरामदा है वहां पे जाके उसने कहा सर दो लाइन इस मूड का है, जरा सा बोल दीजिए, दो लाइन कुछ गा दीजिए, ऐसे इस तरीके का है वो। तो हमने कर दिया और वो 1 घंटे बाद शाम तक हमारे पास आया, आपका सिलेक्शन हो गया। हमने कहा अच्छा, हमने कहा फिल्म में सिलेक्शन हो गया? तो खैर हो गया। इस तरीके से वो फिल्म की हमने और बहुत अच्छी चली फिल्म।
उसके बाद दो और फिल्में कर रहा हूँ, सीरियल्स भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं भागता नहीं। मैं ये नहीं कहता नहीं, मैं बहुत वो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, इज्जत से जो बुलाता है मैं हमेशा जाऊंगा, नमन करते हुए जाऊंगा। मैं बहुत छोटा कलाकार हूँ, अदना सा एक कलाकार हूँ, लेकिन हाँ मैं सबसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि अपने थोड़ा सा यार रखो अपना, बिल्कुल सब कुछ गवा के नहीं, बिछ जाओ बिल्कुल, बंबई से आए हैं तो ये आए हैं, आप खुद क्यों नहीं बंबई बन जा रहे हैं, आप खुद के अंदर इतनी कुव्वत पैदा करिए ना। लेकिन ठीक है, जो आज का चलन है, मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि मत भागिए भीड़ में। सिर्फ एक बात कि मतलब जो आप कह रहे थे कि थिएटर सबसे बड़ा प्यार है, थिएटर रुकना चाहिए, लेकिन थिएटर में सरवाइव कैसे करे कोई इंसान, ये बताएं। क्यों, थिएटर में मैंने तो उतना नहीं, हाँ बताएं बताएं, उसके बारे में जरूर बताएं। हाँ देखिए ऐसा है, थिएटर में सरवाइव आप कैसे करें, मैं कैसे कर पाया, जो भी है, मैं मतलब आज की डेट में मैंने थिएटर से ही सारी चीजें करी है ना, थिएटर को ही अपना सब सब कुछ मानकर। फिल्म में क्या किया मैंने, एक दो फिल्म ऐसे ही की, थोड़े से कुछ सीरियल्स किए हाँ, लेकिन जो किए क्लास किए, और वो क्लास किए क्यों, थिएटर की वजह से। अगर मैं थिएटर की मेहनत मेरी ना दिखती, मैं अपने आप कहीं नहीं गया, विश्वास मानिए आप, ये मेरा बड़बोलापन नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं गया, कभी फिल्म के लिए, सीरियल्स के लिए कभी नहीं गया। वो मुझे बुलाया तो मेरे थिएटर के प्यार की वजह से, जरा मुझे पानी पिलाओ, तुमको देख के मुझे भी लगने लगा प्यास, ए बच्चे पानी ला बेटा। बिल्कुल तो ये गपशप है, पानी नहीं पीते रहना चाहिए, तभी गपशप हाँ में हाँ हाँ मजा आएगा। बिल्कुल, नहीं, वो बता दूं एक बीच में, हमारा सिद्दीक भाई है छोटा, जो हमारे साथ नक्कारा और ढोलक, आ जाओ इधर आ जाओ, चेहरा दिखा दो, वो छोटा भाई हमारा, और इसको जब पता चला कि नमस्ते कर लो, तो इसको जब पता चला कि सर आप आ रहे हैं लाइव, मैं भी आऊंगा, मैं बजाऊंगा जरूर आके, आप गाएंगे ऐसे ही गाएंगे बिना मेरे, हमने कहा नहीं, अब क्या करोगे, ऐसे ही कर रहा हूँ यार, गला वाला ऐसे ही पड़ा हुआ है, तुम बजाओगे तो मुझे जोश आएगा गला मेरा, अब और सीखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि तुम मत आओ, लगे कि यार काम ये माना नहीं, तो बजा दिया इसने, इसी की वजह से मैं गा भी रहा हूँ, वरना वो शायद गावा ना पाता मैं। तो पानी निकाल दो, तो क्या मैं कह रहा था, हाँ बताओ। रहे थे कि आप उसके बारे में कह रहे थे कि आपने थिएटर से कैसे सरवाइव किया, हाँ कि सॉरी, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई सरवाइव करने के लिए। मैं बताऊं, चूंकि मैं लिखता था, मैंने लिखना स्टार्ट जो शुरू से किया, और ये भी कह सकते हैं मैं शायद इसलिए भी सरवाइव कर पाया कि मैं सारी विधाओं में काम कर रहा था। जैसे मैं आज की डेट में, जैसे मैंने बिट्स पिलानी बिरला कॉलेज, राजस्थान है या कलकत्ता है, मुंबई है, दिल्ली है, तो सब जगह मैंने वर्कशॉप्स कराने के लिए गया, और अकेले ही गया, और उन किसी को 8-10 लोग बुलाने हैं, इस राइटर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, तो सारे के सारे काम चूंकि मैं अकेले ही कर लेता हूँ, तो उनको 10 लोगों को बुलाने के बजाय उन्होंने एक हमको बुलाया, ये तो हुई मेरी बात। आप ये बताएं कि थिएटर से जब मैं सरवाइव कर सकता हूं, आप क्यों नहीं कर सकते, मतलब मुझ में क्या ऐसा खास है भाई, जितने सिंगर हैं वो यहाँ भी गाएं और वहां भी गाएं, और जितने एक्टर हैं वो सब जगह कर रहे हैं काम ना, आप थिएटर से आपने सीखा नहीं ना प्रॉपर तरीके से, आप भटकते रहे, जिस समय आपकी सीखने की एज थी, कुछ करने की एज थी, उस समय तो आपने और सारे काम किए, ताकना झांकना, नशा पत्ती, ये वो सब चीजें, तो वो सब चीजों को तिलांजलि देकर अगर आप पूर्ण रूप से अपने को कंसंट्रेट होके अगर थिएटर की तरफ आप जुटेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी रोकने वाला आपको नहीं है। आपकी बात से एक बात और याद आई मुझे, जो इंडिया वाले जब दावा करते कि मिट्टी बेच सकते हैं, कभी एक कंपनी उसमें जाइए तो वो बड़े उससे कहते हैं कि हम मिट्टी तक बेच सकते हैं, है ना। तो आर्टिस्ट तो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, तो अपनी आर्ट को क्यों नहीं बेच चाय बनवा दो, अच्छा कर सकता है और उसको क्यों नहीं सेल कर सकता, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, मतलब आपने कितना सीखा, आप कितने समर्पित हैं, उस समर्पण से पता चलता है कि आप कितना सरवाइव करेंगे, है ना। अमित भाई एक चीज और है,
मैं बात करना चाहूंगा कि आप जो एक रथ यात्रा की वजह से अभी काफी जाने जाते हैं और आपने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है रथ यात्रा की, तो मैं चाहूंगा कि मैं गोविंद एक सेकंड रुकना चाहिए, रथ यात्रा को मैं बाद में, क्योंकि उसके ढोलक के हाथ उसके बज रहे हैं, तो नौटंकी चूंकि हाँ, वो बार बार यो यो कर रहा है कि मेरा कब होगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तो मैं नौटंकी पे चूंकि मैंने कुछ नहीं करा, तो मैं थोड़ा सा नौटंकी की कुछ चीजें कर देता हूँ। एक बहरे तबील, गला यार बहुत पड़ा हुआ है, थोड़ा सा सबसे मैं क्षमा मांगता हूं कि गला बैठा हुआ है। इस घड़ी में राला पे की मान गए, जो कहेगी करूंगा तुम्हारी कसम, मेरी जान मेरी जान मेरी जान की जरूरत हो गर मांग ले, हंसते हंसते मैं दे दूंगा जाने मनन, मेरी जान की जरूरत हो गर मांग ले। और एक लावनी अंदाज में हरिश्चंद्र की लड़ाई, डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल जी के निर्देशन का ही एक गीत है, वो मैं लावनी अंदाज में सुनाना चाह रहा हूँ। जो कुछ सुख दुख विधाता लिख्यो मेरी तकदीर, मेटे से मिट तो नहीं, करो कोटि तदबीर, है मेरा अपराध प्रिय स्वीकारू, है मेरा अपराध प्रिय स्वीकारू, बेटे से ज्यादा भला और क्या हारू, मैं हत्यारो मैं हत्यारो पाप अधम को जायो, और नहीं निभा कर्तव्य कहीं भी पायो, अब कैसे अपने मन में धीरज धारूं, कैसे अपने मन में धीरज धारूं, बेटे से ज्यादा भला और क्या हारू, बेटे से ज्यादा भला और क्या हारू। बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत सुंदर। और ये नाटक इतना फेमस है सर का, उर्मिल सर का इतना बहुत फेमस फेमस, हुआ। मैंने जान के लाइनें उनको उनको समर्पित करने के लिए, उनके श्रद्धांजलि के स्वरूप ही मैंने ये लाइनें उनके लिए बोली, इसीलिए वो वहां बैठ के बहुत अच्छा उनको लग रहा होगा। ये प्ले बहुत साल चला है, बहुत साल तक है ना, बिल्कुल अभी भी कुछ बिल्कुल। समय पहले हुआ था दिल्ली में ये प्ले है मैं ना, गया था ना, लेकिन और बहुत फेमस नाटक है ये सर का, बहुत फेमस हुआ था, लगभग भारत में हर
हर जगह हुआ है, भारत हर जो जगह बाहर हुआ। दुनिया बहुत में। बहुत बहुत शोध पर मैं दर्पण चाहूंगा के। थोड़ा, जी मैं मैं चाहूंगा थोड़ा मतलब हाँ हाँ बोलो बोलो सॉरी। यात्रा के बारे में जरूर बताएं, क्या प्लानिंग है, कैसे है उसकी, क्या योजना बनाई है आपने, क्योंकि वो एक अनोखा प्रोग्राम है जो आपने बनाया है, बिल्कुल अलग तरह का। देखिए गोविंद मैं बताऊं आपको, बेटा एसी ऑन कर दो जरा, मैं बताऊं आपको कि सत्य समर्पण हमारी एक संस्था है, पता होगा शायद, तो वो बहुत काम कर रही है कल्चरल में सारी चीजों में। तो सत्य समर्पण एक न्यूज़पेपर, डेली वीकली और मैगजीन भी है, सत्य समर्पण कंपनी है, सत्य समर्पण ट्रस्ट है। तो सत्य समर्पण एक नेशनल ग्रुप के रूप में मैंने बनाया है, बड़ी मेहनत की है, आप लोगों के सबके दुआएं, सबका साथ है, तो इसी से काम कर रहा हूं। तो एक मेरे दिमाग में एक ऐसी योजना आई कि पूरे समाज को जोड़ने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि आज जो भेदभाव और सब फैला हुआ है, मतलब जातियों को लेके, प्रथाओं को लेके, कुरीतियों को लेके, तो ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है भैया, ये जब होगा तब आप देखिएगा ये मैं क्या कर रहा हूं। ये मैंने सारे लोगों को जोड़ने का, एक समन्वय करने का, एक रथ यात्रा के द्वारा ये किया। और इसको मैंने देखिए अब तक रथ यात्राएं बहुत हुई, राजनीतिक, धार्मिक, लेकिन ये सांस्कृतिक रथ यात्रा मैंने इसको नाम दिया है। अपनी धर्म, संस्कृति, आचरण, संस्कार, परंपराएं, इन सब का समन्वय करने के साथ मैंने इसका जो किया है कि एक तो भारत नेपाल के संबंध जो इसमें विपरीत थोड़े से चल रहे हैं, उन सबको भी मैंने अच्छा करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ मैंने, भले ही रथ यात्रा भगवान राम पे केंद्रित है, लेकिन इसमें सर्व धर्मों को शामिल करने का, क्योंकि ये 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का भारतोत्सव है, ये 135 करोड़ भारतीयों का भारतोत्सव है, इस उद्देश्य से हमने इसको किया। और इसमें मैंने कई कंट्रीज को जोड़ने का इसमें जो इसका प्लान बनाया है, और बहुत लंबा प्लान है ये। मैं लगभग मध्य प्रदेश, बिहार और नासिक वगैरह का भी प्लान कर रहा हूँ अभी, रूट वगैरह का। तो मतलब अभी सारी योजना खुल के थोड़ा सा समझ रहे हैं आप, बताना ठीक नहीं है तो, लेकिन ये है कि ये तय है कि अगर ईश्वर ने और आप सबकी दुआओं ने काम कर दिया तो ये निश्चित जानिए ये वाकई भारत का भारतोत्सव होगा ये। और इतना बड़ा उद्देश्य इससे निकल के आएगा, ये मैंने साधारण मतलब इसको यूं ही नहीं कर दिया है कि बस अपने को हाईलाइट करने के लिए हमने कुछ किया हो, ऐसा कुछ नहीं। इसको मैंने कुछ कुछ उद्देश्य से किया है कि जो हमारे यहाँ भटकाव, बदलाव, बिछो है, ये सब चीजें हैं आपस में, जो सब चल रहा है माहौल आप देख ही रहे हैं ना, तो वो नहीं होना चाहिए। सब बिल्कुल, सब लोग एक समान मिलके चलें, एक सर्वधर्म संभाव वाला देश अपना भारत है, उसमें वही भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। क्योंकि हम हमारे काम एक दूसरे के साथ, ये देखिए मेरा सिद्दीक भाई बैठा है, अब देखिए ना क्या जरूरत इनको आने की, अरे आप लाइव आ रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या करना भाई लाइव, हमें आपको सब देखेंगे, मुझे क्या, लेकिन ये फोन किया नहीं, मैं आऊंगा सर, आप लाइव आ रहे हैं और गाएंगे जरूर कुछ ना कुछ आप क्योंकि आप सिंगिंग के लिए ही वो है, तो आ गया और आया तो मुझे गाना पड़ा फटे गले से, और जो सुनने वाले नए लोग होंगे वो कहेंगे यार ये ऐसे फटे बाज गाते हैं यार ये, तो जो भी है। तो ये रथ यात्रा भाई बड़े बड़े उद्देश्य के साथ की गई है, और इसको मैं अगली जब आपके साथ बैठूंगा तब इस रथ यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मेरी बड़े लेवल पे भी काफी बातचीत हो चुकी है काफी लोगों से, और सबकी हामी है, सबका आश्वासन है, सबका आशीर्वाद है, और सबको लेके चल रहा हूँ मैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस सारे कम्युनिटीज हमारी अपनी है, इन सबको आत्मसात करते हुए एक ऐसा हमने जोड़ा है कि हम अपने पूरे समाज को, सबको एकजुट होकर एक साथ जोड़ें और एक अच्छा संदेश दें। और एक बात कहना चाहूंगा इसमें कि आओ मिलकर तोड़ दें इस बीच की दीवार को, आओ मिलकर तोड़ दें इस बीच की दीवार को, और कुछ चाहे ना हो आंगन दोगुना हो जाएगा, है ना। तो उस आंगन को दोगुना करने, अपने आंगन को चौगुना करने के
के उद्देश्य से हम ये कार्य कर रहे हैं। और जी, बताएं। यही था कि बहुत बड़े उद्देश्य से काम किया जा रहा है। हाँ, आप बोले प्लीज। नहीं, उद्देश्य तो होना ही चाहिए काम का, और ये बहुत बड़ा उद्देश्य है, और सांस्कृतिक चीजों के साथ जुड़ेगा, सांस्कृतिक लोग जुड़ेंगे तो उसका और भी फैलाव बनेगा देश भर में, दुनिया भर में, एक आंदोलन का रूप देगा संस्कृति। बस बस बिल्कुल वही मैं चाहता हूं, आंदोलन ही मैं करना चाहता हूं। वो बहुत जरूरी है। तो अभी जब आप मतलब सिखाते हैं तो आपका कौन सा क्या तरीका होता है, किस तरह से सिखाते हैं, क्या है, मैं चाहूंगा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जब आप सिखाते हैं और अब नए नए बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता, तो किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जिनको अभी वो नए बच्चे खुद बताएंगे आके, लेकिन वो एक्चुअल में कोई लिंक उनके पास कुछ गड़बड़ पहुंच गया। वो सारे आना चाहते हैं लेकिन वो आए कैसे, क्योंकि मैं इस पे लाइव हूँ, वो लिंक का कुछ इशू बन गया। कोई आया? अच्छा, जी जी पांडा जी से अगर वो अपना ऑन कर सकते हैं सब कैमरा। हेलो हाँ, जी जी पांडा तुम जी, क्यों नहीं आ कैमरा रहे? ऑन कर सकते हैं क्या, आपको मेरी आवाज आ रही उससे है? हाँ लिंक लो ना। एक सेकेंड एक बात सेकेंड बात तो ओके। करो। आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। हेलो, नहीं हो रहा है कैमरा ऑन। हाँ हेलो हेलो, काजू का कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। हाँ अभी आवाज आ रही है मेरी, शायद मेरा कैमरा ऑन नहीं आवाज हो रहा है। आवाज कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं, हमें सुनाई पड़ रहा है। तो आप बताएं अमित जी जी के जी साथ करते हुए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? अमित जी ने कहा कि मतलब मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, मेरे स्टूडेंट हैं ऑनलाइन, तुमसे ही बात की जाए। तो आप जी बताएं जी कैसे मैं हैं, कैसे इनका हो? स्टूडेंट नहीं, मैं इनका स्टूडेंट नहीं, मेरा नाम गोपी मिश्रा है और मैं इनका भाई हुआ एक तरीके से। और इनसे सौभाग्य मिला, मिलने का हमारा कुछ दिल्ली में किसी मंच के थ्रू, तो वहाँ जी से इनसे लगाव हुआ, जुड़ा हुआ। एक अनूठी प्रतिभा है इनकी, मल्टी टैलेंटेड है ये खुद स्वयं में, राइट। और खुद के स्वयं के इनके लेखन हैं, कविताएं हैं, जिस तरीके से प्रभावी रूप से ये बोलते हैं और उनको उच्चारण करते हैं, उसी में ही मन मोह लेते हैं ये। तो बड़ा अच्छा लगा, और अभी इनके साथ में मिलके काम किया जा रहा है। इसी देखिए सफल होते हैं साथ में मिलके, फिर नहीं, जब आपसे साथ वापस मैंने जब ये साथ में थे तो गोपी। संपर्क हो जाएंगे, साथ में थे तो संपर्क हो हाँ जाएंगे। गोपी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अमित भाई, बताएं गोपी जी के बारे में क्या बताते। नहीं, गोपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे मतलब आईटी में काम कर रहे हैं, और उसी में हमारे साथ इन्वॉल्व हैं कि रथ यात्रा के प्रोजेक्ट में, और इसी में बड़ा हमारे हर चीज में बड़ी हेल्प कर रहे हैं हमें, और बहुत बढ़िया व्यक्ति है वो। ये मध्य प्रदेश के हैं और दिल्ली में इनका ऑफिस है, लेकिन ये इतना आत्मीयता से हमारे साथ जुड़ गए कि मतलब वो आईटी वाईटी सब किनारे हो गया और वो एक ब्रदर की तरीके से हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। तो और बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन वो लिंक, वो बोला ना मैंने, वो लिंक वो मेरे उस नंबर पे कुछ दूसरे पे फोन वोन भी कर रहे हैं, वो लिंक विंक का कुछ गड़बड़ हुआ है। एक मनोज जी हैं, मैं उनका जिक्र कर दूं, मनोज द्विवेदी जी, वो बहुत उत्सुक थे, कहने लगे मैं आऊंगा, और वो पता नहीं क्या दिक्कत आ रही लिंकिंग की। लेकिन चलिए नेक्स्ट उनको बुलाऊंगा फिर मैं, हो सकता है अभी ज्वाइन वाइन कर लें। कुछ लिंक का कोई इशू आया है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी यही है, क्योंकि मैं बताया ना, मैं दिन भर तो मैं दिल्ली से लौटा, उसके बाद मैं काफी मीटिंग्स वगैरह, मैं तो आज तो मैं सॉरी बोलने वाला था ना, जब हम लोग के बीच हुआ था, मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ सॉरी कहना चाह रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं और कैसे क्या होगा, बड़ी मतलब
गोविंद भाई भी क्या हमारा सोचेगा कि कैसे क्या हो गया। लेकिन आप, लेकिन मैंने आपको छोड़ा नहीं, मैंने कहा आज तो आपको आना ही पड़ेगा, है ना, नहीं आज नहीं आप नहीं पहुंचे। आप तो काफी टाइम से पीछे पड़े हैं और मुझे आना ही था, मेरा सौभाग्य है। ये थोड़ी कि मतलब आप पीछे पड़े हैं मेरे, मतलब मैं भी पीछे पड़ा हूँ कि मैं चाहता हूँ आपके साथ आना गपशप में, और गपशप करके चाहता था कि बहुत कुछ आपके साथ, सबके साथ अपनी बातें शेयर करूं। और इतना बढ़िया मंच बना दिया है आपने कि मतलब आपने इतना कनेक्ट कर दिया है पूरे ब्रह्मांड को, आपने इकट्ठा करके हर विधा के व्यक्तियों को एक छत के नीचे लाके और उनसे उनकी बातें पूछ के, और इतना ज्यादा इंस्पायर आप कर रहे हैं लोगों को। आप मतलब खुद गोविंद आप इंस्पिरेशन हो गए हैं हम सबकी कि कैसे, देखिए ऐसा है नहीं ना, बहुत बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, मतलब उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और सारी सारी चीजें, उन सबको समन्वय करना ही बहुत बड़ा गुण है। और जिस तरीके से आप, जिस आप लोगों से बात करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उनसे बातें कहलवाते हैं, तो समाज के लिए प्रेरणा है ना। अगर हम कुछ बोल रहे हैं उससे किसी व्यक्ति को 1% भी प्रेरणा मिल गई, तो मतलब वो माध्यम तो आप है ना, आपने उकेरा, आपने उसको कुरेदा, उसकी अंतरात्मा को, उनकी बातों को, तो ये आपके अंदर गुण है कि लोगों की बातें बाहर आ जाती हैं। वरना कुछ लोग जरा देर में खुलते हैं मेरे दोस्त, कुछ लोग जरा देर में खुलते हैं मेरे दोस्त, पहली ही मुलाकात में मायूस मत होना। बिल्कुल, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन सब कुछ बन मैं जाता है। आपसे पहली मुलाकात नहीं, मैं अपने सारे अग्रजों से पहली मुलाकात की बात मैं कर रहा हूं, तो नहीं, अब हमारा समय भी धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है कि रात भी बढ़ती जा रही है और हमें रुकना भी चाहिए। तो रुकने से पहले मैं चाहूंगा कि आपसे जरूर हम गाने सुने जो आपको बहुत पसंद है, जो आपके दिल के करीब बसता है और आप उसको बहुत अच्छा लगता है। मैं बताऊं, ये तय कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं दो तीन चीजें नौटंकी किया इसकी कह के खत्म करूंगा बात को। एक तो मैं हरिश्चंद्र तारामती का एक प्रकरण बोलूंगा। बेटा बंद कर दो, कि शमशान घाट पे रोहित की लाश पड़ी है और तारामती बिलख रही है रोहित की लाश को देख के, और हरिश्चंद्र उनसे कह रहे हैं कर दीजिए, गले के लिए माफ कीजिएगा फिर से सब लोग। तज कर रोना पीटना, मन में धीरज धार, ओ मरघट के करकाट का ओ दे मत करे आभार, हे महाभागे सुंदरी, करकाटका धर पेश तर, देरी न कर देरी न कर देरी न कर देरी न कर। तारामती, माँ की गोदी में पड़े निज पुत्र को पहचान कर, मांगो न कर मांगो न कर मांगो न कर मांगो न कर, जब तक मैं राजा तब तक हे सुकुमारी, और रोहित तो मेरो लाल था और तू अर्धांगी नारी, सेवक हुआ चांडाल का और राज सब जाता रहा,
अब तू बता तुझसे या किससे क्या मेरा नाता रहा, ना ये सुत मेरा ना मैं खूब पिता, ना ये सुत मेरा ना मैं खूब पिता, ना नारी तू हरिश्चंद्र की, काशी में बिकते ही गई बातें वो सब संबंध की, तब का तो बिछड़ा मिल गया, तब का तो बिछड़ा मिल गया, अब का न बिछड़ा मिलन का उठ अन्न जल जग से गया, प्रीतम तुम्हारे ललन का क्या खड़े देखी करो, क्या खड़े देखी करो, सुत आपनों की शव क्रिया, अफसोस दर अफसोस बेटे से ही मांगो कर क्रिया, अफसोस दर अफसोस बेटे से ही मांगो कर क्रिया। एक दो लाइनें गोपी, गोविंद भाई, ये अबू हसन का एक हिमाचली अंदाज का दो लाइनें मैं करना चाहता हूं। ये थपलियाल जी जब भी बैठते थे हम लोग गाने बजाने की महफिल में ऐसे अलग से, तो वो हमेशा कहते थे यार अमित वो वाला सुनाओ अबू हसन का अपना, तो दो लाइनें वो बिल्कुल एक ख्वाहिश है अपनी न उनके लिए, एक ख्वाहिश है अपनी न इनके लिए, न इनके लिए और न उनके लिए, बादशाह में बनू ताज पहनू जरा, बादशाह में बनू ताज पहनू जरा, चाहे बहुत भले के दिन के लिए, एक ख्वाहिश के अपनी ऐसी ख्वाहिश भी कोई भला चीज क्या, ऐसी ख्वाहिश भी कोई भला चीज क्या, अब भी हो मयसर न इनके लिए, आशियाना बनाने को निकला हूँ मैं, आशियाना बनाने को निकला हूँ मैं, हाथ में चंद सपनों के तिनके लिए, एक ख्वाहिश है अपनी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर अमित भाई, और बहुत अच्छा और बहुत मजा आया आपके साथ बात करके गपशप में, इतना सुंदर कि क्या बताऊं, कि मतलब नहीं गपशप के अलावा सुनना भी जानना भी, और बहुत सारे लोगों के विचार आपके लिए, कि सभी लोग आपको कितना प्यार करते हैं, किस नहीं तरह से मुझे आपने लोगों भी को जोड़ के रखा है, कैसे लोगों को जोड़ा है, क्योंकि आज की दुनिया में जोड़ना ही बहुत बड़ा काम है, नहीं तो लोग तो बिखरे हुए हैं, तो जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत रखते हैं मुबारक। जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, बिखरे कहा तो एक याद आया, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। और क्या बात है, इसी के साथ आज हम लोग गपशप यहीं पे रोकते हैं और विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ, बिल्कुल फिर बातें करेंगे और गपशप करेंगे, गपशप तो कभी खत्म नहीं होती, मतलब कभी नहीं हो सकती। ये मतलब वो आता था ना, एक सीरियल आता था,
चंद्रकांता आता था, जो कि खत्म कहाँ होगा पता नहीं चला, अभी इसमें रुक गया, मतलब हम खत्म नहीं लोग हुआ, मनाते थे खत्म तो ना हो ये। खत्म ना हो, है ना। तो गपशप भी जब करने लगते हैं तो ये मन करता है खत्म ना करें, रात भर बैठ के गपशप मारते रहे, है गपशप ना। मतलब भी यही है, लेकिन गपशप मतलब ही लेकिन यही है, लेकिन रियल सबकी रियल सीमा गोविंद, है। मुझे मुझे भी बहुत अच्छा लगा गोविंद तुमसे बात करके। ऐसे तो हम लोग बात करते ही रहते हैं, लेकिन सबके साथ इस तरह लाइव आकर और सबसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और तुमने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये दिया कि हम सबसे बात कर सकें, अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकें। हालांकि मैं सेटिस्फाई अपने से नहीं हूं, क्योंकि गला भी साथ नहीं दिया और मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ दिमाग नहीं, बस गपशप ही था कि जो आया बोल बिल्कुल दिया। बिल्कुल 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 बोला। अगर वो तो बंधे बंधे हुए हुए तो सारे चैनल है ना बांधने के लिए, बहुत सारे चैनल हाँ है। सही बात, हाँ, इंटरव्यूज यहाँ तो होते रहते हैं। है ना, यहाँ थोड़ा मन की बात करें, थिएटर की बात करें, दिल की बात करें, दिल से बात करें, मजा वो है। नहीं यहाँ बिल्कुल दिल दिल बिल्कुल हो, बिल्कुल, है ना। क्या आपका बात बहुत क्या बहुत बात, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत थैंक यू, आप आए, आपने समय दिया, और उन सभी लोगों का धन्यवाद जो हमेशा गपशप में आते हैं, 10 बजे बैठ के 11 बजे तक, 11:30 तक मुझसे बातें करते हैं। सच सच है, मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और सबने बहुत कुछ सीखा है, बहुत थिएटर को टाइम दिया है, बहुत सारा टाइम देते हैं लोग, तो उन सबको भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, थैंक यू, और और एक बहुत साथ अच्छा लगा। सबको एक माला में एक साथ सबको पिरोने के लिए तुमको धन्यवाद सबसे बड़ा, कि कैसे और तुमने भांति भांति के लोगों को एक मंच पे इकट्ठा किया। और मतलब मैं कुछ किसी से सीख रहा हूँ, किसी को कुछ सिखा रहा हूँ, कोई किसी को कुछ बता रहा है, और वो सारे लोगों को एक साथ, क्या मतलब सुपर गजब है गोविंद। मतलब तुमको थैंक्स है, तुमको सैल्यूट है। जो आपके साथ संगत दे रहे थे उनको भी धन्यवाद, कितनी रात हाँ को आए संगत और दे रहे थे, आप धन्यवाद। मिले, है ना। और मेरे साथ सही इस बात समय और लोग, और भी कई लोग लगे हैं, क्योंकि मैं टेक्निकल ये सब चीजें दिक्कत होती तो रितेश सिंह है हमारे स्टूडेंट है, वो भी आए अभी रात में, टाइम दे रहे हैं। अपना सोनवाल भाई है, ये लोग भी बैठे हुए हैं, तो 4-5 लोग यहाँ बैठे हैं आपके मतलब दर्शक। पूरा शो, एक पूरा शो चल रहा है, लाइव शो चल रहा आपके दर्शक भी यहाँ बैठे हुए हैं साथ में। है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, और शुभ रात्रि, गुड नाइट, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद अमित भाई, भैया बहुत बहुत भैया धन्यवाद। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, सबको सबको, सारे लोगों को प्रणाम।